सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात के सूरत में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कीम रोड पर डंपर ने सड़क के पास फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल डाला, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि मरने वाले सभी मजदूर हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। साथ ही लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि सूरत में केम मांडवी रोड पर एक बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे सो रहे 18 मजदूरों को कुचल दिया। हादसा रात 12 बजे के आसपास का है। दरअसल तेज रफ्तार से जा रहे डंपर चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए गन्ने से लदे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण डंपर चालक ने स्टीयरिंग व्हील पर नियंत्रण खो दिया और डंपर फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर पलट गया। इस हादसे में सड़क किनारे सो रहे 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। सभी गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरत में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत गांधी जुड़ रहे हैं। पुनीत, दर्दनाक और वाकई में विचलित कर देने वाला ये वाकया रहा है, सड़क हादसा जो कि सूरत में हुआ है। 13 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। जी आशीष, आपको बता देंगे सूरत में देर रात यह हादसा हुआ है। सूरत के कीम रोड पर डंपर ने सड़क पर फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं कई गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी मजदूर राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शवों को आज शाम तक बांसवाड़ा आने की सूचना मिल रही है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।